आज के इस वीडियो में हम बुकरम पट्टी से अम्ब्रेला कट लहंगे के बॉटम की फिनिशिंग के साथ मुड़ाई करना सीखेंगे। ये हमने लहंगे को अम्ब्रेला कट कर लिया है और यहाँ पर ये हमारे पास दो लेयर में फोल्डेड है। ये हमारी बंद वाली साइड है और दूसरे साइड से ओपन वाली साइड है। और ये हमने बुकरम शीट ली है तो ये हम कट करेंगे। ये हमने मोटी वाली बुकरम शीट ली है जो एक साइड से चिकनी है। आप देख सकते हैं ये एक साइड से चिकनी आती है, इस साइड इसमें ग्लू लगा हुआ आता है। तो ये पेस्टिंग वाला बुकरम होता है जो प्रेस से कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमने दो लेयर में फोल्ड करके लिया है बुकरम को। तो ये कपड़ा भी यहाँ से मुड़ा हुआ है, फोल्डेड है, और बुकरम शीट भी इस साइड से फोल्डेड है। तो इसको हम बराबर से सेट करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बुकरम पट्टी को कट करना है। जिस तरह से हमारी लहंगे की कटिंग हमने करी है, थोड़ा गोलाई में ये लहंगा होता है, अम्ब्रेला कट लहंगा बॉटम से, तो इसी के हिसाब से हम बुकरम पट्टी कट करेंगे। और जहां से हम बुकरम पट्टी कट करेंगे वहीं पर हमें लहंगे पर इसे स्टिच करना है। तो साइड से यहाँ पर हम नाप कर ये बुकरम पट्टी कट करेंगे, तो यहीं पर हम इसे स्टिच भी करेंगे। इसका भी खास ध्यान रखना है। अब देखिए बॉटम की तरफ से हम लहंगे के बराबर से बुकरम पट्टी पर निशान लगा लेते हैं। ये हमने बुकरम पट्टी पर मार्क कर लिया है लहंगे की जिस तरह से शेप है बॉटम साइड से उसी तरह से। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम बुकरम पट्टी को कट कर लेते हैं। इस लहंगे पर हम 3 इंच चौड़ी बुकरम पट्टी अटैच करेंगे। तो आप अपने हिसाब से बुकरम पट्टी की चौड़ाई एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इंच चौड़ी बुकरम पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से हम इंच टेप को आगे की तरफ रखते जाएंगे और 3 इंच पर बराबर से निशान लगा लेते हैं। ये हमने बराबर से 3 इंच पर निशान लगा लिया है। जब भी आप निशान लगाएं तो इसका आप ध्यान रखें कि दोनों पीस जो हमने लिए हैं ये बिल्कुल बराबर से रहें। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने बुकरम पट्टी कट कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, हल्की सी ये कर्व में कट होती है, क्योंकि अम्ब्रेला कट लहंगा जो होता है वो बॉटम से सीधा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कर्व्ड होता है इस तरह से। तो इसी की शेप में हम बुकरम पट्टी कट करेंगे। तो इसी तरह से हम इसके आगे की तरफ से भी कट कर लेंगे। तो हमने जो बुकरम पट्टी यहाँ से कट करी है यहाँ से ये कर्व्ड हो गई है। तो यहीं से हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। यहाँ से भी हम इसे लहंगे की शेप में ही बराबर से सेट करके रखेंगे। यहाँ से हम 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। तो देखिए हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। अब यहाँ से हम इसे बराबर से कट कर लेते हैं। फैब्रिक हमारे पास दो लेयर में है यहाँ पर लहंगे का, तो इसी के साइज की हम एक और पट्टी कट कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे और बराबर से कट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए हमने एक और पट्टी कट कर ली है। तो ये दोनों पट्टियां यहाँ पर इस तरह से अटैच होंगी। इसी तरह से हम जो कपड़ा रह गया है लहंगे का यहाँ के लिए भी हम कट कर लेते हैं। तो इसे उठाकर हम इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर और लहंगे की शेप में ही हमें बुकरम पट्टी कट करनी है। इस साइड से लहंगे की ओपन वाली साइड है तो दो पीस कट करेंगे यहाँ से। तो देखिये हमने बराबर से दो पीस कट कर लिए हैं। अब हमने जो बुकरम पट्टियां हमने कट करी है इनको हम अस्तर वाले कपड़े पर प्रेस से पेस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे प्रेस से पेस्ट कर लिया है। इसे हम इस तरह से रखकर इस पर प्रेस करके पेस्ट करेंगे। तो एक साइड से जो चिकना वाला साइड होता है उस साइड इस पर ग्लू लगा हुआ रहता है, तो वो साइड हम कपड़े की तरफ रखेंगे जिससे कि यहाँ से कपड़े से चिपक जाए अच्छी तरह से। थोड़ा मोटा है यहाँ पर बुकरम पट्टी, तो इस पर हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए। आप देख सकते हैं हमने किस तरह से ये बुकरम पट्टियां पेस्ट करी हैं। इनके बीच में हमने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा है क्योंकि हम बुकरम पट्टी के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम रखेंगे सिलाई के लिए। सारे पीस जो हमने बुकरम पट्टी के कट करे हैं उनको हम इसी तरह से अस्तर वाले कपड़े पर प्रेस से अच्छी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास पेस्टिंग वाला बुकरम नहीं है, नॉर्मल बुकरम आता है जो बिना पेस्टिंग वाला होता है, अगर वो बुकरम है तो उसे आप अस्तर वाले कपड़े पर बराबर से सेट करके रखें और फिर उसके दोनों तरफ आधा आधा इंच एक्स्ट्रा अस्तर वाला कपड़ा रखते हुए कट कर लें। ये हमने सारे पीस को कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो बॉटम की तरफ हमने आधा इंची कपड़ा ही रखा है और ऊपर की तरफ हमने
थोड़ा सा ज्यादा रखा है, आधा इंच थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा हमने रखा है। तब देख सकते हैं सारी पट्टियों को हमने इसी तरह से कट करा है। तो इसका आप खास ध्यान रखें कि कौन सा हमारा बॉटम वाला साइड है और कौन सा ऊपर वाला साइड है। तो अब सारी पट्टियों को हम सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो साइड में भी हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, तो इसको हम बराबर से पकड़ के रखेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई लगाकर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो सिलाई आपको सिर्फ कपड़े पर लगानी है, तो बुकरम पट्टी के बिल्कुल पास से होते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे कपड़े पर, बुकरम पट्टी पर सिलाई नहीं लगानी है। तो जब आप कपड़े पर बुकरम पट्टी को पेस्ट करें तो इसका भी आप खास ध्यान रखें कि साइड में भी आपको एक्स्ट्रा अस्तर वाला कपड़ा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। सारी पट्टियों पर हम इसी तरह से सिलाई लगाकर ज्वाइंट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सिलाई लगाई, हमने सिर्फ कपड़े पर सिलाई लगाई है, बुकरम पट्टी पर सिलाई नहीं लगाई है। ये हमारा ओपन वाली साइड के दो पीस हैं, तो यहाँ पर भी हम इसे बराबर से कट करेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा कर्व कट करा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये बराबर से नहीं है। आप चाहें तो बुकरम पट्टी को पहले भी बराबर से कट कर सकते हैं, और अगर पहले कट नहीं करा है तो आप इसको बराबर से सेट करके रखिए। इस तरह से यहाँ पर ये स्टिच होगा, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा बुकरम पट्टी तिरछी हो रखी है यहाँ से इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है, तो इसे हम उतार लेते हैं। ये उतर भी जाता है बहुत ही आसानी से। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा बुकरम पट्टी है इसको हम कट करके सीधा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देते हैं। और अब इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम ज्वाइंट लगा लेते हैं। इस तरह से बुकरम पट्टी तैयार करके आप अम्ब्रेला लहंगे के बॉटम की फिनिशिंग करेंगे तो लहंगे में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बॉटम स्टिच हो जाता है। अम्ब्रेला कट लहंगे की आप सिंपल मुड़ाई करेंगे और इस तरह से बुकरम पट्टी अटैच करेंगे तो दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। बुकरम पट्टी से हम फिनिशिंग करते हैं तो लहंगे में बहुत ही अच्छा घेरा बनकर तैयार होता है और बहुत ही हैवी लुक आता है अम्ब्रेला कट लहंगे का। ये हमने सारी पट्टियों पर सिलाई लगा ली है, उनको आपस में ज्वाइंट कर लिया है। अब देख सकते हैं ये हमारा बॉटम वाला साइड है, इस तरह से कर्व है और ये ऊपर वाला साइड है। जो बॉटम वाला साइड है उस साइड हमने आधा इंची कपड़ा ही रखा है एक्स्ट्रा। तो बिल्कुल पूरी पट्टी में आपको आधा इंची कपड़ा ही रखना है, बिल्कुल बराबर से रखना है, कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं रखना है, अदरवाइज बराबर से सिलाई नहीं होगी। ऊपर की तरफ से आप अनइवन रहता है कपड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ से हम कपड़े को फोल्ड करने वाले हैं। तो इस साइड से ये ऊपर की तरफ वाला पार्ट है हमारा, तो यहाँ पर हम कपड़े पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कपड़े पर कट्स लगाने हैं, बुकरम पट्टी पर कट्स नहीं लगाने हैं। पूरी पट्टी पर हम इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं और अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बुकरम पट्टी पर और इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली है और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप कट कर सकते हैं। जहां पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है उसे आप कट कर दीजिए।
अब हम बुकरम पट्टी लहंगे के साथ में स्टिच करेंगे। तो ये लहंगे का सीधा वाला साइड है, तो सीधे वाली साइड हम इसे इस तरह से बराबर से पकड़ के रखेंगे और बुकरम पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। कपड़े पर सिलाई लगानी है, बुकरम पट्टी पर सिलाई नहीं लगानी है, लेकिन बुकरम पट्टी के बिल्कुल पास से होते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। ये हमने लहंगे पर बुकरम पट्टी एक साइड से स्टिच कर ली है और इस पर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर ली है। तो एक साइड से बुकरम पट्टी स्टिच करने के बाद में उसे अच्छी तरह से प्रेस करके आप सेट कर लें। तो प्रेस करना बहुत ही जरूरी है जिससे कि बुकरम पट्टी अच्छी तरह से बैठ जाएगी और इस पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर कपड़े में किसी भी तरह का झोल नहीं आएगा, कपड़ा कहीं से भी मुड़ेगा नहीं, अच्छी तरह से बुकरम पट्टी के साथ में चिपक जाएगा। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और अब बिल्कुल किनारे किनारे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। प्रेस करने से कपड़ा अच्छी तरह से सेट हो जाता है और बराबर से सिलाई लग जाती है। कपड़े को कहीं से भी खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। प्रेस करने के बाद में आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड से भी ये बुकरम पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं राइट साइड से फिनिशिंग के साथ सिलाई लग रही है। आप देख सकते हैं राइट साइड से कितनी फिनिशिंग के साथ ये बुकरम पट्टी अटैच हो रही है। ये हमने पूरे लहंगे के बॉटम में बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये बुकरम पट्टी अटैच करी है और कपड़े पर कहीं पर भी सलवट या झोल नहीं है, कहीं पर भी प्लीट्स नहीं आई है। रॉन्ग साइड से भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हो गई है। इस तरह से अगर आप बुकरम पट्टी लगाएंगे तो लहंगे का बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।